आज नया टॉपिक लेके आया आपका सामने है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखना है, क्या है केमिकल कॉम्पोजिशन है। केमिकल कॉम्पोजिशन है हम लोग मेंटेन करना है क्यों है। एक्चुअली रॉ मटेरियल में गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल पढ़ने में भेजने से अपना प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाता है। एक्चुअली अपना फर्नेस को एफिशिएंसी बढ़ाना है, मतलब है इंडिकेशन हमको कैसा पता चलेगा, प्रोडक्टिविटी का अनुसार है ये फर्नेस एफिशिएंसी बढ़ रहे हैं आइडेंटिफाई है कर सकते हैं। देखिए हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए अपना रॉ मटेरियल में केमिकल कॉम्पोजिशन है कैसा मेंटेन करना है, मैं आज आपको समझाने जा रहे हैं। देखिएगा आयरन वोर में, आयरन वोर में केमिकल कॉम्पोजिशन है ये है, कोक का है केमिकल कॉम्पोजिशन यही है, लाइमस्टोन का है यही है, उसके बाद है क्वार्टजेट का केमिकल कॉम्पोजिशन है ये कॉलम में, उसके बाद है पीसीआई का रॉ मटेरियल है केमिकल कॉम्पोजिशन ये है, मैंगनीज के लिए सेंटर का केमिकल कॉम्पोजिशन ये है, डोलोमाइट का, उसके बाद है कोक है उसका ऐश का केमिकल कॉम्पोजिशन यही है, फाइनल है हार्ट मेटल का केमिकल कॉम्पोजिशन यही है। अभी सबसे पहले आयरन ओर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है देख लेते हैं। एफ ई टोटल है मिनिमम कितना रहना है, 65% है मिनिमम रहना है, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन का अनुसार है सिलिका रहेगा 3.5% है, अल्यूमिना रहेगा 2.5% है, सल्फर रहेगा 0.0032 0.01 मैक्सिमम सल्फर रहेगा, मैंगनीज है 0.10, अल्कलीज है 0.05 to 0.1 मैक्सिमम। इसमें साइज का आंसर है 10 to 40 mm ये रहेगा, उसके बाद है मीन साइज है 20 to 25 रहेगा, मॉइस्चर है मिनिमम रहना है आयरन ओर में 2% है, डेंसिटी रहेगा 1.8 to 2% टन क्यूबिक मीटर रहेगा, रिड्यूसिबिलिटी है आयरन ओर का मिनिमम रहना है 60 to 70% है। अभी कोक का देख लेते हैं, इसमें फिक्स्ड कार्बन है मिनिमम रहना है 85 to 87 है, वॉल्टाइल मैटर रहना है 1.5% है, ऐश रहना है 12 to 13% है, फास्फोरस रहना है 0.05 to 0.06 है, मैक्सिमम रहना है 0.05, सल्फर रहना है 0.05, अल्कली रहना है 0.15, CSR रहेगा, CSR मतलब है कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिएक्शन, CSR रहेगा 64 to 67% है, साइज मिनिमम रहना है 20 to 80% है, मीन पार्टिकल साइज है मिनिमम रहना है 40 to 45, मॉइस्चर रहेगा 4% मैक्सिमम, डेंसिटी है 0.65 to 0.7 टन पर क्यूबिक मीटर है। लाइमस्टोन का CaO 40 to 50 है, SiO2 4 to 5 है, MgO 2 to 4% है, अल्यूमिना 2% है, Fe2O3 है 1 to 2% है, आलकली रहेगा लाइमस्टोन में 0.2% है, साइज लाइमस्टोन का रहना है 10 to 40 mm में, मीन पार्टिकल साइज रहना है 25 mm में, बल्क डेंसिटी रहेगा 1.5 to 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर में। क्वार्टजेट का SiO2 इसमें रहेगा 95 to 98% है, अल्यूमिना रहेगा 1 to 2% है, Fe2O3 रहेगा 0.5 to 1% है, अल्कली रहेगा 0.2% है, साइज है क्वार्टजेट है मिनिमम हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए 10 to 40 mm में, मीन पार्टिकल साइज है एवरेज रहेगा क्वार्टजेट का 25 mm में, बल्क डेंसिटी है 1.5 to 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर क्वार्टजेट चाहिए। उसके बाद पीसीआई का रॉ मटेरियल है अपना, इसमें फिक्स्ड कार्बन रहेगा 56.13 है,
वीएम रहेगा 26.15 है, कैश रहेगा 20.19 है, वाइचर रहेगा 2.5 है। पीसीआई का रॉ मटेरियल है, हम लोग यूज करते हैं सब बिटुमिनस कोल है। सब बिटुमिनस कोल में फिक्स्ड कार्बन मिनिमम रहना है 55 to 58 है, उसमें वॉल्टाइन मैटर्स भी है 25 to 28 मिनिमम रहना है। ऐश है 15 to 20% रहने से अपना पीसीआई है, फर्नेस में जो भेजेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसी का अनुसार है अपना कोक रेट भी फर्नेस में घटने के लिए मेजर चांसेस तो रहेगा। मैंगनीज का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, मैंगनीज है 25% मिनिमम, इसमें एफई रहेगा 25 to 30% है, SiO2 है 6 to 8% है, अल्यूमिना है 5 to 7% है, फास्फरस है 0.06% है, सल्फर रहेगा 0.003 to 0.006 मैक्सिमम है, मीन इसमें अल्कलीस रहेगा 0.4% है, साइज है 10 to 40 mm बीच में रहना है मैंगनीज की बोर, इसमें वीक पार्टिकल साइज रहेगा 25 mm है, बल्क डेंसिटी है 1.8 to 2 ton³ रहेगा। उसके बाद है सिंटर, सिंटर में ये एफई टोटल रहेगा 55 to 57 है, MnO रहेगा 0.19 to 0.20 है, CaO रहेगा 8 to 11 है, MgO रहेगा 1.8 to 2.2 है, बेसिसिटी रहेगा 1.79 to 2.05 है, RDA रहेगा 27 to 36 है, टम्बलर इंडेक्स रहेगा 63 to 74 है, ब्रेक्स इंडेक्स रहेगा 4 to 7% है। टम्बलर इंडेक्स मतलब है सेंटर का स्ट्रेंथ है, इंडिकेशन है, अब्रेक्सिव इंडेक्स मतलब है टू जनरेट फाइंड जनरेशन है। अभी इस पे उसके बाद है डोलोमाइट, डोलोमाइट में CaO 28 to 35% है, CaO रहेगा, SiO2 है 4 to 5% है, MgO है 18 to 20% है, अल्यूमिना है 2% है, Fe2O3 है 1.2% है, अल्कली डोलोमाइट में रहेगा 0.2% है, साइज है 10 to 40 mm है, मीन पार्टिकल साइज है एवरेज डोलोमाइट का चाहिए 25 mm, बल्क डेंसिटी है 1.5 to 1.6 है। उसके बाद है अभी देख लेते हैं ऐश का, कोक है पन्नेस का अंदर है, कोक जलने के बाद है जैसा डेडमेंट जोन में ऐश बनेगा, वो ऐश का कॉम्पोजिशन है सिलिका रहेगा 48 to 50% है, अल्यूमिना रहेगा 25 to 30% है, MgO रहेगा 2% है, CaO रहेगा 1 to 2% है, Fe2O3 रहेगा 1% है। अभी इसमें सिंटर का कॉम्पोजिशन का अनुसार है हम लोग ये डिस्कशन करना है, क्यों है पन्नेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग हैं सिंटर है मेजर परसेंट हम लोग यूज़ करेगा, मैक्सिमम 80 to 90% है फर्नेस में रॉ मटेरियल में हम लोग यूज़ करेगा सिंटर है, इसीलिए इसमें कॉम्पोजिशन है मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कॉम्पोजिशन में हमको FeO मिनिमम 8 रहना है, मैक्सिमम 10 रहने से अच्छा है, उससे ज़्यादा रहने से अपना फर्नेस को ये कोक रेट है ज़्यादा हो जाएगा, अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है बढ़ जाते हैं, इसीलिए सिंटर में मेजर रोल देखना है ये FeO है। FeO है जितना हो सके मतलब है बॉर्डर में रहना है, कितना रहना है 8 to 10% FeO। सिलिका भी है ज़्यादा नहीं रहना है, मैक्सिमम कितना रहना है 4.5 है। अल्यूमिना भी है ज़्यादा नहीं रहना है, कितना रहना है 2.8 to 3% रहना है। MnO भी ज़्यादा नहीं रहना है, कितना रहना है 0.19 to 0.20। बेसिसिटी है मिनिमम हम लोग मेंटेन करना है 1.8 to 1.9। और इसमें देखिए इसमें कॉमन है
आलकली है और रॉ मेटेरियल में आलकली कितना रह रहा है देखिएगा, इधर 0.05 to 0.1 है, इसमें कितना 0.15 है, इसमें कितना 0.2 है, इसमें कितना 0.2 है, ऐसे ही आलकली है मैक्सिमम रहना है 0.4 है, 0.4 से ज़्यादा नहीं रहना है रॉ मेटेरियल में। ये कॉम्पोजिशन का अनुसार है रॉ मेटेरियल है, हम पर्नेस में भेजने से पर्नेस प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग गुड क्वालिटी है रॉ मेटेरियल है पर्नेस में भेजने से अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है घटे, इसीलिए हम लोग ये कॉम्पोजिशन का अनुसार है हम लोग रॉ मेटेरियल है पर्नेस में भेजने। धन्यवाद।